नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, GSLPS में अभी एक वैकेंसी चल रहा है दोस्तों, जो कि CC पोस्ट, FTC पोस्ट और भी कई पोस्ट पर दोस्तों चल रहा है, जो कि दोस्तों 22 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं भरे हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोबारा एक वैकेंसी निकल कर आया है GSLPS में, कई पोस्टों पर बहाली है, झारखंड के सभी जिले में ये बहाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किन किन पोस्टों पर किस किस जिले में कितना बहाली है। 3 फरवरी तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष। किसी भी द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों भरने में, बिल्कुल झारखंड गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, उसी के माध्यम से दोस्तों वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों, आप लोग सभी कोई इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी के विज्ञापन पर चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये है वैकेंसी का विज्ञापन जो कि आज निकला है। दोस्तों सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल इस विज्ञापन पर प्रकाशित करने की तिथि तारीख से 72 घंटे के बाद सक्रिय होगा। यानी कि दोस्तों, आप लोग जो वैकेंसी डालेंगे वो विज्ञापन प्रकाशित होने के 72 घंटे के बाद ही डाल सकते हैं, और इसका अंतिम तिथि जो दोस्तों 3 फरवरी तक है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो वेबसाइट है दोस्तों, वह है www.cis.com और www.jlps के ही आप लोग डाल सकते हैं दोस्तों, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। पहला जो पोस्ट है दोस्तों, वो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर, जो कि TAY NIRLM के तहत आता है। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, वो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का, जो TAY NIRLM जोहार एंड GHI MDI के अंतर्गत आता है दोस्तों। दोस्तों तीसरा जो पोस्ट है, वो है ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर का दोस्तों, जो कि NRETP के तहत आता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस किस जिले में कितना पोस्ट है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बोकारो की। बोकारो में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर में एक पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए, और बाकी कास्ट के लोग दोस्तों आप लोग भी इसमें डाल सकते हैं जनरल से। और दूसरा जो पोस्ट है जो बोकारो में दोस्तों, वो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का, जो कि उसमें भी एक ही पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए सिर्फ है, और बाकी कास्ट के लिए लोग भी इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। और तीसरा जो पोस्ट है, वो ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर में बोकारो में है दोस्तों, जो कि 2 जनरल के लिए है, 1 BC1 के लिए, और बाकी कास्ट के लोग भी जनरल से फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चतरा की। चतरा में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर पे एक पोस्ट है, बाकी लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का पद चतरा में एक भी नहीं है, और ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर का भी पद चतरा में नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं देवघर की। देवघर में डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर का एक पद है, जो कि जनरल के लिए है, बाकी लोग भी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों देवघर में डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों। ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर का 2 पद है देवघर में दोस्तों, जिसमें कि एक जनरल के लिए है, 1 BC1 के लिए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं धनबाद की। दोस्तों धनबाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का एक भी पोस्ट नहीं है। ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर के यहाँ पे 2 पोस्ट आए हैं दोस्तों, जो कि एक जनरल के लिए, 1 BC1 के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं दुमका की। दुमका में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर का एक भी पद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का 3 पोस्ट है दोस्तों, इसमें कि 2 जनरल से 1 ST के लिए है। और ब्लॉक अकाउंटेंट ऑफिसर में दुमका में सिर्फ एक ही पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए है, बाकी कास्ट के लोग भी जनरल से फाइट कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, कड़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, 2400 जिला में वैकेंसी निकला है दोस्तों। सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। खूंटी, कोडरमा, लातेहार से लेकर सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम तक निकला दोस्तों ये वैकेंसी। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि झारखंड से जुड़ी हुई कोई भी जॉब आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों।